गुटखा और पान मसाले का सेवन करने वाले अक्सर शहर के सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, फुटपाथ और सड़क पर थूक कर उसे गंदा करते हैं। ऐसे ही रेड स्पॉट को चिन्हित कर निगम उसे कम करने में जुटा है। शहर में आगामी महीनों में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में इन आयोजनों के दौरान शहर में आने वाले मेहमानों को ऐसे गंदे स्थान ना दिखें, इस वजह से अब शहर में लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार सुबह महापौर पुष्पमित भार्गव द्वारा महुनाका पर नो थूथू अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही आज 19 स्थानों पर यह जागरूकता अभियान शहर में चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के साथ ही यहाँ वहाँ ना थूकने के लिए जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार शहर में रेड स्पॉट की संख्या पर नियंत्रण होने पर भी अंक मिलना है। इस वजह से नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शहर में पान गुटखा खाकर थूकने वालों पर रोक लगाई जाए। इसके लिए निगम जल्द ही सड़क, फुटपाथ और दीवारों पर थूकने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी करेगा। गौरतलब है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सेट पर अभी हाल ही में रंग रोगन किया गया है, लेकिन लोग उस पर भी थूक कर उसे गंदा कर रहे हैं। सोमवार को महापौर और MIC सदस्य प्रिया डांगी ने डिवाइडर पर थूक कर गए रेड स्पॉट पर धुलाई भी की। नगर निगम द्वारा अब लगातार अगले 2 महीने तक शहर के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में थूकने वालों पर कार्यवाही कर स्मार्टफोन की कार्यवाही की जाएगी। हेलो चेक स्वच्छता में इंदौर भारत में सिरमौर है, लेकिन फिर भी हमारे जो रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट मतलब जहां कहां लोगों की रोड मीडियम्स पे, सड़क पर, चौराहों पर गुटखा थूकने की, पान थूकने की जो आदत है, उसने अभी भी स्वच्छता के पैमानों में कुछ कमी की हुई है। तो ऐसे जितने रेड स्पॉट्स हैं उनको खत्म करने का अभियान नो थूथू अभियान के रूप में नगर निगम ने शुरू किया है, ताकि हम सब मिलकर रेड स्पॉट्स को ना कहें। जहां भी थूक कर अपने शहर की गलियों को, सड़कों को हम गंदा कर रहे हैं, ये अभियान चलाकर इस सब से हमको इंदौर को मुक्त करना है। उसी का ये अभियान आज हमने इंदौर शहर के 19 स्थानों से शुरू किया है, जो पहले चरण में जनता को जागृत करने का काम करेगा, समझाइश देने का काम करेगा, और यदि प्रेम से, आग्रह से लोगों ने नो रोड स्पॉट के अभियान को सफल बनाने में सहयोग नहीं किया तो फाइन लगाकर, पेनल्टी लगाकर भी इस अभियान को चालू रखा जाएगा और इंदौर को रेड स्पॉट मुक्त बनाया जाएगा।